इस वक्त हमारे साथ प्रद्युमन के पिताजी मौजूद हैं। एजुकेशन मिनिस्टर की बैठक चल रही है, पुनीत वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इनका सीधे सवाल पुनीत को जाएगा, ये सवाल करना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर से। वरुण जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सबसे पहला सवाल ये है एजुकेशन मिनिस्टर जी से कि जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल हैंडओवर करके आता है सेफली, रोड तक की जिम्मेदारी वो खुद लेता है कि मैं बच्चे को सेफ हैंड के अंदर छोड़ के आऊँ, तो उसके मन के अंदर ये होता है कि उसने अपने बच्चे को सेफ हैंड में हैंडओवर कर दिया है और बच्चा जैसा हैंडओवर किया है वैसा ही सेफ बच्चा उसको वापस मिलेगा। और अगर उसके बाद स्कूल कैंपस में ऐसी घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसके जिम्मेदारी पे मैंने अपने बच्चे को वहां पे छोड़ा था? पुनीत इसका जवाब दे, और मैं चाहूंगा कि आप ये सवाल पूछें एजुकेशन मिनिस्टर से। पुनीत, जाहिर तौर पे आपको बता दूं निशांत कि अगले कुछ ही मिनटों में एजुकेशन मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं। बड़ा सवाल है जिसको कि हम एजुकेशन मिनिस्टर के सामने रखेंगे। निशांत, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 3 सदस्यीय एक सरकारी कमेटी का गठन किया गया है जो स्कूल की लापरवाही, जो इनका सवाल है, उसी के जांच के लिए रखी गई है कि आखिर स्कूल की क्या क्या लापरवाही रही इस बच्चे की मौत के पीछे। सोमवार को ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी और उसके बाद पुलिस, जो स्कूल प्रशासन है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। आपको बता दूं बड़ी खबर यह भी है कि शायद शिक्षा मंत्री, जो सूत्रों से निकल के आ रही है, स्कूल के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और इसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। निशांत, पुनीत इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एजुकेशन मिनिस्टर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो मंडे तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस स्कूल के बाहर जो एक शराब की दुकान थी उसको आग लगा दी गई है, और वरुण जी ने हाथ जोड़ के अपील की है कि कृपया कानून को अपने हाथ में ना लें।